हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शैतान सिंह मीना है और मैं करौली जिले का निवासी हूं। तो मैं आपके साथ अपने सिलेक्शन तक के सफ़र की जर्नी को बयां करना चाहता हूं कि किस प्रकार किन किन चीज़ों ने मेरे सिलेक्शन की जर्नी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो मैं आज आप उन सब का आपके सामने खुलासा करना चाहता हूं। सर्वप्रथम मैं 2017 में परिष्कार कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। तो यहाँ के बारे में मैंने अपने गाँव में भी बहुत सारे लोगों से सुना है, तो मैंने उनके थ्रू मुझे इसके बारे में जानकारी मिली। तो मैं यहाँ पे एडमिशन लिया और मैंने यहाँ पे आके देखा कि यहाँ का माहौल काफ़ी डिफरेंट है। जो पहले मैं रहा करता था वहाँ से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। फिर यहाँ पे आके मुझे एक पीडी कैंप का पता चला, जिसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप बोलते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया और मेरा पीडी कैंप हुआ। तो उसमें तरह तरह की चीज़ें होती है, जैसे आपको तरह तरह के गेम खिलाए जाते हैं, आपको स्टेज पे बुलाया जाता है, आपको लोगों से बातचीत करवाई जाती है, आपको प्रेजेंटेशन देने होते हैं, आपको कुछ चीज़ें दिखाई जाती है, उनके बारे में विश्लेषण किया जाता है। तो सब तरीके की चीज़ें होती है, जैसे एनालाइजेशन, विजुअलाइजेशन। तो उससे आपको एक बोलने की जो आपकी हेजिटेशन होती है, जो आप बचपन से ही अपने अंदर दबाए रखते हैं, वो बाहर निकलती है। तो इस तरह आपका धीरे धीरे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किया जाता है। फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैंप से निकल के आप सीधे क्लासेस में आते हो, तो वहाँ पे आप एक अलग ही माहौल देखते हो कि सभी बच्चे एक साथ एक ड्रेस कोड में बैठे हुए हैं, तो बाकी कॉलेजों की तरह नहीं। और एक अनुशासन वाला माहौल आपको दिखाई देता है, जो कि आप पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और एकेडमिक क्लासेस के साथ में यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में कंपटीशन क्लासेस चलती है, जो सभी प्रकार की कंपटीशन क्लासेस के लिए आपको एक बहुत मददगार साबित होगी। जैसे और बच्चे जो अपने 3 साल के ग्रेजुएशन कंप्लीट के बाद कंपटीशन की क्लासेस की तैयारी करना चालू करते हैं, लेकिन आपको एक एडवांटेज रहेगा कि आप कॉलेज के भी 3 सालों में कंपटीशन से अवगत रहेंगे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कैसी कैसी चीज़ें आती हैं, किस प्रकार आप चीज़ों को हैंडल करते हैं। तो फिर जब आप असली तैयारी चालू करोगे तो आपको बिल्कुल भी अजीब नहीं लगेगा, आप एक सहजता महसूस करोगे और अपनी तैयारी को एक प्रॉपर ढंग से कर पाओगे। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो टीचरों का यहाँ पे जो विशेष व्यवहार है, वो काफ़ी सुखद है। और आपको यहाँ पे पढ़ के और यहाँ पे आपको अध्ययन करके एक अलग ही फीलिंग अनुभूति होगी। तो मैं आपको यहाँ के जितने भी अध्यापक हैं उनके बारे में एक विशेष बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ के अध्यापकों का व्यवहार वो बहुत ही सहज है। और जब भी आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आए या किसी भी प्रकार के कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप उनसे कभी भी सहायता मांग सकते हैं। वो कभी भी आपको मना नहीं करेंगे, निराश नहीं करेंगे, हमेशा आपकी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। और आपको चाहे कैसी भी प्रॉब्लम हो, पर्सनल हो या एजुकेशन से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की समस्याएँ हो, आपको हमेशा सहायता के लिए प्रस्तुत रहेंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप अपनी 12th को कंप्लीट करें, मेरे छोटे भाइयों बहनों से निवेदन है कि एक बार आप परिष्कार कॉलेज को ज़रूर विज़िट करें।